युद्ध शुरू होने के बाद से ही इसराइल गाजा के अस्पताल, मस्जिद और स्कूलों पर हमले कर रहा है। इसराइल का दावा है कि इन जगहों को हमास हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यहां हमास की सुरंगों का जाल भी बिछा है। अब IDF ने कई वीडियो सबूत जारी किए हैं। इन वीडियो में अस्पताल और मस्जिदों में हमास की सुरंगें दिख रही हैं। साथ ही IDF का दावा है कि हमास ने स्कूल और बच्चों के कमरों को हथियार गोदाम बना रखा था। कुछ दिन पहले इसराइल ने अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग होने का पहला सबूत दुनिया के सामने पेश किया था, मगर अब इसराइल ने मस्जिद से लेकर स्कूल और रेफ्यूजी कैंपों में हमास की सुरंग और सेंटर होने के सबूत जारी कर दिए हैं। मस्जिद में सुरंग, अस्पताल में सुरंग, बिजली ग्रिड के नीचे सुरंग, बच्चों के बेडरूम में हथियार। इसराइल का दावा है कि जमीन के नीचे बनी इन्हीं सुरंगों में बंधकों को रखा गया था। इन्हीं सुरंगों के जरिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, वो भी दुनिया की नजरों से छिपाकर। जंग शुरू होने के बाद से ही इसराइल अस्पतालों और मस्जिदों पर हमले कर रहा है, जिसके पीछे की वजह यही सुरंगें हैं। और अब इसका वीडियो सबूत भी IDF ने खुद जारी किया है। सबूत नंबर एक, ये वीडियो जबालिया का है, जहां इसराइली सेना की नाहल ब्रिगेड ने बड़े एक्शन को अंजाम दिया। इसराइली जवानों ने यहाँ मौजूद एक मस्जिद पर रेड की। इस दौरान हमास लड़ाकों और इसराइली सैनिकों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। जब इसराइली जवान मस्जिद में दाखिल हुए तो वहां हमास के रॉकेट लॉन्चर और हथियार मौजूद थे। हथियारों के पास सुरंग का एक शाफ्ट भी मौजूद था, जहां से हमास के जवान भागने की। सिर्फ इतना ही नहीं, इसराइल का दावा है कि आसपास के इलाके से 6 से ज्यादा शाफ्ट मिले हैं, जिन्हें तबाह कर दिया गया। सबूत नंबर दो, अब दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो अल शिफा अस्पताल के नीचे मौजूद टनल का है। इसराइल का दावा है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंग में ही पहली बार बंधकों को लाया गया था। हमास लड़ाके गाजा पट्टी का बॉर्डर पार करके बंधकों को अगवा कर इसी अस्पताल में लेकर आए थे। इसराइल ने अस्पताल में सुरंग होने का 9 मिनट का वीडियो जारी किया है। IDF ने शिफा अस्पताल के निदेशक को भी गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पूछताछ के लिए शिन बैत लाया गया है। दरअसल इसराइल का दावा है कि शिफा अस्पताल हमास मुख्यालय के रूप में काम करता था और अस्पताल निदेशक के पास हमास से जुड़ी हर जानकारी मौजूद है। IDF के जवान शिन बैत में अस्पताल निदेशक से पूछताछ कर रहे हैं। इधर इसराइल ने सीज फायर से पहले गाजा के अस्पतालों पर फिर बड़े हमले किए। ये वीडियो कमाल अदवान अस्पताल का, जहां सीज फायर से 12 घंटे पहले इसराइल ने बड़ी स्ट्राइक की। इस हमले में 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा इसराइल ने अल कुवाती अस्पताल के आसपास मौजूद इमारतों पर भी हमले किए। सबूत नंबर 3, सिर्फ अस्पताल और मस्जिद ही नहीं, हमास मासूम बच्चों के स्कूल और कमरों को भी हथियार गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये वीडियो एक हमास लीडर के घर का है, जहां IDF ने रेड की। रेड के दौरान बच्चों के कमरे से हथियार मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पास में मौजूद बिजली ग्रिड के पास भी हमास के टनल के 4 शाफ्ट इसराइली सैनिकों को मिले, जिन्हें बुलडोजर की मदद से बर्बाद कर दिया गया। हमास की सुरंगों और हथियार गोदामों को लेकर IDF जितनी तेजी से सबूत जारी कर रहा है, उतनी ही रफ्तार से इन सुरंगों को तबाह भी कर रहा है, क्योंकि इसराइल जानता है
जब तक सुरंगों का मकर जाल नष्ट नहीं हो जाता तब तक हमास का मिटना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।